हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑफिशियल चैनल HP YouTube क्लासेज में। स्वागत है दोस्तों, आज एक और शानदार क्लास के साथ आज की क्लास शुरुआत करने चल रहा हूं। दोस्तों, क्लास 10 मैथ का मैं लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को देखिए और यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। किसके पेपर सेट में दोस्तों आ जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसे ही मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूँ, यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ज़रूर पूछे जाएंगे। देखिए, मैंने आज आपको ले लिया है क्लास 10th मैथ है के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और आपको समझ में आ जाएगा। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें एग्जाम में तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए कम से कम आपको 5 अंक तो पक्का है यहाँ से आना तय है दोस्तों। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे, बस आप लोग इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कह रहा है कि एक आयताकार जो बाघ है उसका अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। कह रहा है जिनकी लंबाई कामा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिनकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जो आयताकार बाघ होता है उसमें 2 भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है, एक क्या होती है? चौड़ाई। तो यहाँ दोस्तों हम हल में क्या लिखेंगे देखना, ऐसे ही सेम आपको एग्जाम में भी लिखना है। हल में लिखेंगे माना आयताकार बाघ की लंबाई। ठीक है भाई, लंबाई को हमने यक्स मीटर मान लिया। लंबाई को क्या मान लिया? यक्स मीटर मान लिया। कामा चौड़ाई, आयताकार जो बाघ की चौड़ाई है हमने क्या मान लिया? वाई मीटर मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आयताकार जो बाघ है उसकी लंबाई यक्स मीटर, चौड़ाई क्या मान लिया? वाई मीटर। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त अनुसार में लिखेंगे। ठीक है, पहली शर्त अनुसार। तो पहली जो शर्त अनुसार होगा वो कह रहा है कि एक आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप बराबर कितना है? 36 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार बाघ का, ठीक है भाई, आयताकार बाघ का अर्ध परिमाप आपका दे रहा है कितना भाई? 36 मीटर दे रहा है। कितना? 36 मीटर। तो आपको पता है कि परिमाप का जो सूत्र होता है आयताकार 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर कितना? 36 मीटर। ये समीकरण नंबर हम कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करें तो दूसरी शर्त अनुसार में कह रहा है, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार। ठीक है भाई, दूसरी शर्त अनुसार। देखिए दूसरी शर्त अनुसार में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ से जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। तो यहाँ आयताकार जो बाघ है उसकी लंबाई अगर बात करें कि देखिए लंबाई चौड़ाई से, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। तो ये देखिए लंबाई को हमने क्या माना है? यक्स माना है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर चौड़ाई को क्या माना है? वाई। तो वाई प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो इसको पक्षांतर करेंगे इस तरह से यक्स ये प्लस इधर जाएगा तो वाई माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर दोस्तों आपका कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? हल करना है। तो चलिए यहाँ देखेंगे समीकरण 1 और 2 को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे? हल करेंगे। अब चलिए हल करते हैं। तो समीकरण 1 हमने आपको बताया कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 36 है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 36। ये देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण था आपका x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर कितना आया आपका? 2 आया।
ठीक है, अब समीकरण एक और दो को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, समीकरण एक के वाई और समीकरण दो में वाई का मान बराबर है, चिन्ह भी असमान है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2x से बराबर 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये काट देंगे, 2 1 9 2, 2 2 4, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया, 20। अब हम अभी वाई का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान, यक्स का मान है समीकरण समीकरण एक में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण एक में रखने पर ये देखिए। तो यहाँ अब हमें समीकरण एक ढूंढना है। समीकरण एक हमने आपको बताया कि कितना है, यक्स प्लस वाई बराबर कितना, 36। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 36। ये देखिए यक्स का स्थान कितना रखेंगे, 20, प्लस वाई बराबर कितना, 36। अब पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर 36, माइनस कितना हो गया, 20। अब इस तरह से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आ गया आपका वाई बराबर कितना, 36 में से 20 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 16। तो इस तरह से हमें यक्स का मान आपका मिल गया 20 और वाई का मान कितना मिल गया, 16 मिल गया। तो आपको चाहिए क्या, आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे माना है, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं माना है, ठीक है, आयत या आयताकार, आयताकार बाघ, ठीक है, आयताकार बाघ की लंबाई, लंबाई बराबर हमने यक्स मीटर माना था, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, 20 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई माना था दोस्तों, तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या माना था, वाई मीटर माना था, तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई कितना लिखेंगे, 16 मीटर लिखेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से खूब रिवाइज कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में 5 नंबर तो आपको हर हाल में पक्का है मिलना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करिए, मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको ला रहा हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों कह रहा है, ध्यान देखना, ये भी दो चर रैखिक समीकरण से लिया गया है। कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हल कैसे करेंगे, हल में यहाँ से हम लिखेंगे, ध्यान देखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ज़रूर आएगा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पर लिखेंगे माना, माना अंश, माना अंश यक्ष तथा हर, तथा हर वाई है। ठीक है, ये और जो भिन्न है दोस्तों, वो भिन्न आपकी क्या है, यक्ष बटे वाई। दोस्तों इतना आपको जरूर मानना होगा। ठीक है, अंश हम क्या मानेंगे, यक्ष, अहर क्या मानेंगे, वाई। जो भिन्न हमारी होगी वो क्या होगी, यक्ष बटे क्या होगी, वाई होगी। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे, पहली शर्त अनुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पहली शर्त अनुसार। तो पहली शर्त अनुसार में हम चलेंगे तो देखिए कैसे कह रहा है, कह रहा है कि आपको भिन्न हमने बताया कि यक्स बटे क्या होती है, वाई, ये इतना आपको करना होगा। ठीक है, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, अब ये अंश है, अंश में हम कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें, हर में एक क्या कर दें, घटा दें, ये देखिए हर में कह रहा है एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक कर लें तो 1/2 आप एक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप त्रिय गुणा कर लें, ठीक है, तो त्रिय गुणा करेंगे तो यक्स प्लस वाई, सॉरी यक्स प्लस एक, यहाँ पर एक रहेगा, यक्स प्लस एक बराबर वाई माइनस कितना, एक। आप पक्षांतर कर लीजिए इसको, यक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस एक। ठीक है, इस तरह से यक्स माइनस वाई बराबर आपका माइनस दो, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, एक हो गया। क्लियर, अब आगे चलेंगे तो दूसरे शर्त अनुसार में कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि हर में केवल एक जोड़ दें, अंश में नहीं कह रहा, केवल हर में कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार लिखेंगे, ठीक है भाई, यहाँ लिखेंगे दूसरी
शर्तेनुसार। तो दूसरी शर्त अनुसार में क्या लिखा जाएगा, देखिए x बटे y, ठीक है, कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ दें तो भिन्न एक बटा कितना हो जाती है, दो हो जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कह रहा कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न एक बटा कितना हो जाती है, दो हो जाती है, हमें भिन्न चाहिए। तो देखिए यहाँ से समीकरण आपका बनेगा, फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर वाई प्लस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर एक, ये समीकरण नंबर दोस्तों आपका कितना आ गया, दो आ गया। अब हम समीकरण एक और दो को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखते चलिए, समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण एक व दो को हल करने पर, ठीक है, समीकरण एक व दो को क्या करेंगे, हल करने पर। अब देखिए समीकरण एक और दो हमारा क्या है, एक है x माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये समीकरण नंबर एक था, ठीक है। दूसरा था हमारा 2x माइनस वाई बराबर एक, समीकरण नंबर कितना, दो है। क्लियर दोस्तों, अगर यहाँ से देखिए y का मान आपस में बराबर है तो सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है घटाने पर, यदि चिन्ह सेम रहती है तो आप ऐसा करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस वाई क्या हुआ, कट गया। अब माइनस टू एक्स में प्लस एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स, और ये माइनस दो जुड़ जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, तीन, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स बराबर हमें कितना मिल गया, तीन। ये देखिए एक्स का मान हमारा कितना मिल गया, तीन। अब हमें चाहिए किसका मान, वाई का। दोस्तों इसी का हम वाई का मान निकाल लेते हैं जी, यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे यक्ष का मान, यक्ष का मान समीकरण, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर। चलिए समीकरण एक उतार लेंगे, समीकरण एक हमारा था यक्ष माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो यक्ष स्थान पे तीन, माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये माइनस वाई बराबर माइनस दो ही, और माइनस कितना हो गया, तीन, माइनस वाई बराबर माइनस तीन दो पाँच, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर कितना आ गया, पाँच आ गया। ये देखिए तो इस तरह से हमें वाई का भी मान क्या हुआ, प्राप्त हो गया। अब हमें से पूछा है भिन्न क्या होगी, क्या लिखेंगे, अतः अतः अभीष्ट, ठीक है भाई, अतः अभीष्ट भिन्न हमने क्या माना है, अभीष्ट भिन्न हमने माना है यक्स बटे कितना वाई। तो जी तो यक्स मान आपको कितना मिला था, देख रहे हैं यक्स मान हमें कितना मिला है, तीन, यहाँ लिखेंगे यक्स का मान तीन और वाई का मान कितना मिला है, पाँच। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने आपको दो क्वेश्चन बताए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है और पाँच पाँच नंबर के जरूर आएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिए, फिर मिलेंगे और एक शानदार वीडियो के साथ। बस आप सभी लोग को थैंक्स।